नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक रियलमी का मोबाइल है, रियलमी C3। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी बताएंगे कि अगर आपको कोई भी नंबर बार बार कॉल कर परेशान करता है तो आप उस नंबर का वो किस प्रकार से ब्लैकलिस्ट में डाल सकते हो, और अगर आपका कोई भी नंबर गलती से ब्लैकलिस्ट में चला जाता है तो आप उसको किस प्रकार से सेटिंग में जाकर बहुत ही आसानी से उस नंबर को ब्लैकलिस्ट से रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको ब्लैकलिस्ट में नंबर ऐड करना बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा डायल बटन के ऊपर। जैसे आप डायल बटन के ऊपर जाओगे, जिस भी नंबर को आपको ब्लैकलिस्ट में डालना है आपको ये देखिए इसके ऊपर जाना है, और यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इसके ऊपर जाना है आपको ऐड टू ब्लैकलिस्ट, आपको ये ऐड कर देना है, फिर आपको बैक कर देना है। फिर आपको दूसरा नंबर डालना है, आप यहाँ पर जाइए टू पॉइंट्स पर जाइए ऐड टू ब्लैकलिस्ट। ये हमने दो नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिए, और हम फिर जाते हैं यहाँ से टू पॉइंट्स पे जाना है ऐड टू ब्लैकलिस्ट, ये ऐड टू ब्लैकलिस्ट। फिर हम एक नंबर और डाल देते हैं, पांच नंबर हम टोटल इसमें ब्लैकलिस्ट में ऐड करते हैं, और हम उसको फिर अनब्लॉक भी करना आपको बताएंगे। ये देखिए हमने चार नंबर कर दिए, और ये हमने पाँचवा नंबर, और ये हमने पाँचवा नंबर ब्लैकलिस्ट में ऐड कर दिया। पांच नंबर हमने ब्लैकलिस्ट में ऐड कर दिए, और अब हम कोई भी नंबर अगर हमसे गलती से ब्लैकलिस्ट में चला गया तो हम उसको किस प्रकार से अनब्लॉक करें ये हम आपको बताएंगे। तो आपको इसके लिए भी डायलर पे जाना होगा। डायलर पे जाने के बाद में आपको ये दो टू डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उसके ऊपर जाना है, और यहाँ पर ब्लॉक एंड फिल्टर पर आपको चले जाना है। जैसे आप ब्लॉक एंड फिल्टर पे जाओगे तो जो भी नंबर आपने ब्लैकलिस्ट में डाले थे वो सारे के सारे नंबर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। जिसको भी आपको अनब्लॉक करना है लॉन्ग प्रेस करिए रिमूव फ्रॉम ब्लैकलिस्ट, लॉन्ग प्रेस रिमूव फ्रॉम ब्लैकलिस्ट, लॉन्ग प्रेस रिमूव फ्रॉम ब्लैकलिस्ट। इस प्रकार से आप अपना वन बाई वन नंबर को ब्लैकलिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे C3 मोबाइल का ब्लैकलिस्ट में नंबर ऐड किया, और ऐड नंबर को हमने किस प्रकार से रिमूव किया। हम आपको मॉडल नंबर चेक करा देते हैं, हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, अबाउट फोन में आते हैं, और ये देखिए हमारा रियलमी C3। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे रियलमी C3 मोबाइल में कोई भी नंबर को ऐड किया, और किसी नंबर को अगर हमने गलती से ब्लैकलिस्ट में ऐड कर दिया और उसको हम रिमूव करना चाहें तो हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।